तुम्हारे हस्तिनापुर के क्या समाचार हैं पुत्र? सारा ब्रह्मांड पांडु के चक्रवर्ती होने की प्रतीक्षा कर रहा है माते। तुम्हें अपनी माँ की प्रतीक्षा से ज्यादा ब्रह्मांड की प्रतीक्षा की चिंता है? जय और पराजय के सिवाय भी सोचने योग्य प्रश्न हैं पुत्र। मैं समझा नहीं माते। राजा क्या केवल चक्रवर्ती होने के लिए जन्म लेता है भीष्म? जीवन की कुछ और भी तो मांगे होती हैं। मनुष्य को केवल राजा ही होकर नहीं रह जाना चाहिए, वंश रेखा की ओर भी तो उसका कोई दायित्व तो होना चाहिए। मैंने इस विषय पर सोचा है माते। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र है, पहले तो उसका विवाह होना चाहिए। परंतु उसकी अर्धांगिनी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास ऐसी आंखें हों जिन्हें देखने के लिए आंखें खोलने की आवश्यकता ना हो। कोई है ध्यान में? हाँ, मेरे ध्यान में शंकर भक्तिनी गंधार कुमारी गंधारी आई है। तो गांधार देश जाओ गंगा पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा माते। ये तो तुम्हारी पराजय हुई शकुनी। वो तो हो गई पिताश्री, परंतु हारना तुम्हें कैसा लगता है? आपसे हारना अच्छा ही लगता है, परंतु एक क्षत्रिय को हारना अच्छा नहीं लग सकता। चौसर में भी रणभूमि तो रणभूमि ही होती है, और जहां हार जीत हो होती तो वो रणभूमि ही है। परंतु ये तो खेल मात्र है पुत्र। जहां हार जीत का परिणाम निकलता हो पिताश्री, वो केवल खेल नहीं हो सकता। ना ही कोई हारने के लिए चौसर खेलता है और ना ही कोई हारने के लिए युद्ध ही करता है पिता महाराज। भरत वंश संरक्षक शांतनु पुत्र अपराजय वीर गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। स्वागतम गंगा पुत्र भीष्म, स्वागतम। पुत्र इन्हें प्रणाम करो, इनके चरण स्पर्श करना गंगा स्नान के समान है। प्रणाम। चिरंजीवी रहो वत्स। मेरा पुत्र शकुनी, आइए पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए गंगा पुत्र। ये गांधारी अनारों का रस है गंगा पुत्र, गंगा जल के अतिरिक्त ऐसी मिठास कहीं और संभव नहीं। मीठा है, परंतु इससे अधिक मिठास भी संभव है गांधार नरेश। आप बुरा न मानिए गांधार नरेश, मेरे लिए इन अनारों के रस से कहीं अधिक मिठास आपकी उस हां में होगी जो यदि आपने मेरी प्रार्थना सुनकर की। पहेलियां ना बुझाइए गंगा पुत्र। मैं कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने आया हूं नरेश। मेरी बहन का हाथ आपने पांडु के लिए क्यों नहीं मांगा गंगा पुत्र? उसके लिए वो अंधाई क्यों सोचा? शकुनी, क्षमा चाहता हूं पिताश्री। आप मेरी चंद्रमुखी पुत्री को हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों में ले जाने के लिए आए हैं, परंतु गंगा पुत्र आपका ध्यान इस ओर तो जाना चाहिए था कि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। उनके जीवन में गंधार देश का ये चंद्रमा निकला तो क्या और ना निकला तो क्या, उनका जीवन तो सदैव अंधकार में ही बंधा रहेगा। ऐसा ना कहिए पिताश्री,
परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है। ये निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा। क्या आप मुझसे मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? गंधारी, मैं अपने पिता गंधार नरेश, अपने भाई राजकुमार शकुनी, ताज श्री भीष्म और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ। गांधारी, पुत्री, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पिताश्री। गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं ताजश्री। ये क्यों गांधारी? ये आवश्यक है तात्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। परंतु गांधारी, क्या पत्नी का ये करते हुए नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे? मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है। मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वी लोक को क्यों देखूं, जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते? पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति की भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए ना ताजी। धन्य हो सौभाग्यवती भवा, शत पुत्रवती भवा। परंतु यह प्रतिज्ञा भी भीष्म है गांधारी, हर वरदान हर आशीर्वाद से बड़ी, इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री, तो मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखे। गंगा पुत्र, आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। महारानी गांधारी की जय। महाराज धृतराष्ट्र की जय। 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 महाराज